साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको रविवार की एक जबरदस्त रेमेडी दे रहा हूं जो आपको 108 गेहूं के दाने से करनी है। आपका बड़े से बड़ा कर्ज इसमें समाप्त हो जाएगा, धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। ये आपके सूर्य को, ठीक है, सूर्य को स्ट्रांग करेगा। सूर्य का मजबूत होना मतलब कि समझ लीजिए कि सारे प्लैनेट्स को बैलेंस कर लेना। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, है ना। और सूर्य जो होते हैं इनका दर्जा हमारी जिंदगी में पिता का होता है। सूर्य एक ऐसे देवता है जो साक्षात प्रकट होकर के आपको आपके घर में दर्शन देने आते हैं। दोस्तों एक नियम है, हमारा सनातन धर्म कहता है कि अगर सूर्य उदय के बाद जो भी व्यक्ति उठता है तो उसका भाग्य हमेशा सोता रहता है। सूर्योदय से जो पहले उठ जाता है उसका भाग्य हमेशा जागता रहता है। कहा जाता है जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो सूर्य को उदय होने के बाद में यदि आप उठते हैं तो ये कहा जाता है कि सूर्य को लात मार के उठना मतलब कि अपने भाग्य को अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देना। तो हमेशा कोशिश करें कि सूर्योदय से भले आप 2 मिनट पहले उठें लेकिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं। अगर सूर्योदय से पहले आप उठते हैं तो आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं और साथ में आपको सूर्य को मजबूत करने के लिए जो आपकी तमाम प्रकार की तकलीफें, धन संबंधित, कर्ज संबंधित, शत्रु संबंधित सारी तकलीफें आपकी दूर कर देगा। एक जो उपाय जो बता रहा हूं ये आपको करना है रात्रि 11:11 में। 11:11 जो होता है मास्टर नंबर है और 11:11 नाइट का जो टाइम होता है ये बहुत ही चमत्कारिक होता है, बहुत ही मिरेकुलस होता है ये और चमत्कारिक रूप से परिणाम देता है। आज का जो मैं आपको मंत्र और जो टेक्निक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बता रहा हूं ये इतनी पावरफुल है आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरी कर देगा। तो आपको एक मंत्र बता रहा हूं, करना क्या है आपको रात्रि में 11:11 में आपको बिल्कुल करेक्ट टाइम देख लेना है। जैसे ही 11:11 होता है मतलब कि 11:11 होता है, मोबाइल में सामने रखें 11:11 हुआ तो उसके बाद में आपको क्या करना है, तुरंत ही अपनी जो भी आपकी एक जब ये रेमेडी आप करेंगे तो एक बार में एक मनोकामना के लिए करेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको हाई प्रोफाइल बिजनेस मिल जाए, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाए, या आप किसी से लव रिलेशनशिप चाहते हैं कि ये लड़का या लड़की मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, तो जो भी मतलब कि आपकी मनोकामना है, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो उसको अपने दिमाग में इंटेंशन क्लियर रख के और तुरंत आपको क्या करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ठीक है। आपको 11:11 जब तक है मतलब कि 11:11 जब तक है तब तक वो मनोकामना विजुलाइज करते रहें, आपके विश और इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और अपनी मनोकामना विजुलाइज करते रहें मतलब मनोकामना अपनी सोचते रहें। 41 डेज आप कंटिन्यू इस प्रयोग को कर लीजिए, आप देखेंगे दोस्तों चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस भी मनोकामना के लिए आपने इस प्रयोग को किया है वो 100% आपकी पूरी होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है आपके बिलीफ सिस्टम की। आपको विश्वास होना चाहिए, कोई भी रेमेडीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास पर ही वर्क करती हैं, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो वैसे ये क्लीम मंत्र जो है, क्लीम मंत्र है आकर्षण का मंत्र है और ओम श्री क्लीम कृष्णाय नमः ये बीज मंत्र है श्री कृष्ण भगवान का, ठीक है। और कृष्ण भगवान जो है आकर्षण के सबसे बड़े देवता है। इनका मंत्र यदि आप जाप करके कोई भी मनोकामना रखते हैं 100% आपको उसमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है, बस विश्वास के साथ में करना है। और दूसरी रेमेडी जो बता रहा हूं ये आपको किसी भी रविवार के दिन में करना है, ठीक है। 108 गेहूं के दाने से आपको करना है, बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है ये। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, काफी उपाय कर रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में, घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक करा लें। क्योंकि अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है तो कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी जब तक उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आप रेमेडीज नहीं करेंगे।
बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती है तो 100% रिजल्ट दिखाती है, क्योंकि यूट्यूब में सारे ऑस्ट्रोलॉजर की सारी रेमेडीज जनरल होती हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर आपको मैच होती है तो रिजल्ट देंगी, मैच नहीं होती है तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं, और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा और परिवर्तन आपको 7-11 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा दोस्तों शावर मंत्रों के द्वारा राहु को बैलेंस करने के लिए 18 दिन की विशेष पूजा की जाती है। राहु को अगर आपने अपने बर्थ चार्ट में बैलेंस कर लिया, समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा सब कुछ आने लगता है, 95% तक प्रॉब्लम्स का हल मिल जाता है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनने पूजा कराई है, उनको 18 दिन में अमेजिंग रिजल्ट मिल रहा है। दूसरी पूजा होती है शनि राहु के, तो तीनों को बैलेंस करने के लिए, जो कि 28 दिन की होती है। और तीसरी पूजा होती है जो 3 महीने में खुद के घर के योग बनाती है। सारी पूजाएं शावर मंत्रों से होती है। शावर मंत्र जो होते हैं दोस्तों वो काफी दुर्लभ होते हैं, नाथपंथियों से प्राप्त होते हैं। आजकल सभी लोग डाल रहे हैं शावर मंत्र, लेकिन आधे अधूरे हैं। हमारे पास में नाथपंथियों से पूर्ण शावर मंत्र प्राप्त हैं और इनके द्वारा जो पूजा होती है अमेजिंग रिजल्ट देती है। 3 महीने में खुद के घर के योग चाहते हैं ये पूजा बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको 2-2.5 महीने में खुद के घर की प्राप्ति हुई है। तो जो भी तीनों में से जो भी पूजा आपको बुकिंग करानी है व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। और ये प्रयोग जो आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी भी रविवार में, वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रविवार के सूर्य होरा में, यानी कि सूर्योदय जब होता है, गूगल सर्च कर लें सूर्योदय जब हो रहा है, तो उस समय से 15 मिनट के अंदर इस प्रयोग को करेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो 12 बजे से पहले इस प्रयोग को आपको कर लेना है। आपको 108 लेने हैं गेहूं के दाने, 1 लेना है आपको लाल कपड़ा, और अपने खुले आसमान में जहां सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हो वहां पर आपको बैठ जाना है, सामने एक बाजू और पटरा लगाना है। लाल कपड़े पहन के करते हैं बेस्ट है, नहीं तो शुद्ध गोरे कपड़े पहन लें और सामने बाजू और पे कपड़ा बिछा करके घी का दिया जला लें। और एक लाल कपड़े में पहले किसी पात्र में, अगर तांबे का पात्र है तो बहुत ही बेस्ट है, 108 गेहूं के दाने रख दें, और 1 ले लेना आपको तांबे का छल्ला, ठीक है, मतलब तांबे की जो रिंग होती है वो आपको ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, सामने एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछाएं, 1 गेहूं का दाना लें, अपनी अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर और अपने अंगूठे से 1 दाना उठाएंगे और ओम हिरण्य गर्भाय नमः ये मंत्र का जाप करेंगे, लाल कपड़े में दाना रख देंगे। फिर दूसरा दाना उठाएंगे, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, दूसरा दाना उसमें रख देंगे। ऐसे करके 108 गेहूं के दाने इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके उसके गेहूं के लाल कपड़े में आपको रखते जाना है। अब एक तांबे का छल्ला इसके ऊपर आपको रख देना है और इसको जो अपने गेहूं के दाने छल्ले इसकी पोटली बना लेनी है, लाल धागे से आपको बांध देना है। बांधने के बाद में दोनों हाथों में आपको उस पोटली को रख करके हाथ जोड़ना है सूर्य भगवान की तरफ देखते हुए, ये अंजलि वहां पर दिखाते हुए, और 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ये पूजा आपकी पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। अब आपको पोटली पटरे में रख देना है और सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए, पहले आपको 11 बार सूर्य भगवान का गायत्री मंत्र पढ़ना है। ओम ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 11 बार ये मंत्र पढ़ेंगे, सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप मेरे पिता हैं, ठीक है, और जो भी मेरी जिंदगी में जिस भी दोष की वजह से, जिस भी ग्रह नक्षत्र की वजह से मेरी जिंदगी में कर्ज बढ़ रहा है, धन का आगमन रुक गया है, तो मैं सारी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी जिंदगी में सारी गलतियों को माफ करके मेरी जिंदगी में धन का प्रवाह बढ़ा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद में ये पोटली आपको अपने पूजा स्थान में रख देनी है और नित्य प्रति बस आपको क्या करना है, 111 बार इस मंत्र को डेली नहा धो करके और दोनों हाथों पोटली लेकर के ओम हिरण्य गर्भाय नमः इस पोटली को अभिमंत्रित करते रहिए। दोस्तों 11 डेज या 21 डेज में चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम मिलेगा। आप देखेंगे कि पैसों की कभी भी कमी नहीं आने वाली आपकी लाइफ में। सूर्य भगवान का सबसे पावरफुल नाम है जो ऋग्वेद में वर्णित है, वो है हिरण्य गर्भाय नमः। और ये मंत्र मैंने जो आपको दिया है, अगर आप गेहूं के दाने से करते हैं और तांबे के छल्ले से प्रयोग मैंने बताया, इसको आप डेली अभिमंत्रित करते रहते हैं तो मनी का फ्लो आपकी लाइफ में हमेशा बढ़ता रहेगा, आपके राजयोग बनना शुरू हो जाएंगे, साथ में आपको मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी, सभी कार्यों में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप देखेंगे जिस भी कार्य के लिए आप हाथ डाल रहे हैं वो काम आपका 100% सक्सेस होगा, किसी भी कार्य में कभी आपको असफलताएं फेस नहीं करनी पड़ेगी। पूरे विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में, आत्मसमर्पण के साथ में एक दृढ़ संकल्प लेके प्रयोग करिए, आप देखेंगे दोस्तों कि इंस्टेंट आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल रेमेडी मैंने आपको दी है, विश्वास के साथ में करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।
ठीक है। और दोस्तों जानकारी काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में दोस्तों देखिए आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं सभी को ब्लेसिंग्स देता हूँ, है ना, तो कमेंट्स जरूर किया करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राहु को, शनि राहु केतु को बैलेंस करवाना चाहते हैं शाबर मंत्र के द्वारा, ये पूजा बुकिंग करानी है, व्हाट्सएप में जाकर बुकिंग करा सकते हैं। 3 महीने में खुद के घर के योग चाहते हैं, ये भी शाबर मंत्रों की पूजा है, बुकिंग करानी है, व्हाट्सएप में जाकर बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।